हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर लक्ष्मी किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो को आप एंड तक वॉच करें। तो आज मैं बनाऊंगी बच्चे बड़े सभी की मनपसंद मैंगो फ्रूटी, वो भी घर पर बहुत ही नेचुरल तरीके से, इसको आसान तरीके से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दो पके आम लिए हैं, एक कच्चा आम लिया है। तो सबसे पहले येलो आम को मैं अच्छे से छिलका निकाल दूंगी। छिलका निकालने के बाद आम को कट कर लेंगे। तो जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से आपको ये मैंगो फ्रूटी बनानी है। येलो आम को मैंने कट कर लिया है, अब ये कच्चा आम को हम कट कर लेंगे। तो सावधानी से उसको कट करेंगे। कच्चा आम थोड़ा हार्ड होता है, उसको आराम से कट करेंगे और जो पिलर की मदद से इसका छिलका निकाल देंगे। आजकल ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप भी अपने घर पर इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने दोनों आम को कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और उसमें हम दोनों को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। तो दोनों को पहले इसमें डाल देते हैं, उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग आधा कप। उसके बाद इसको कवर करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। होममेड फ्रूटी बनाना बहुत ही आसान है, इसको लगभग 5 से 10 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड किया है और ये अच्छे से एकदम प्यूरे बनकर रेडी हो गई है। आप क्या करेंगे, इसको एक गरम कढ़ाई या फिर पैन में हम डाल देंगे। डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको हम लगातार 2 मिनट चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो जिस ब्लेंडिंग जार में हमने ये प्यूरे बनाकर रेडी किया था, उसी में ही हम सेम आधा कप के करीबन पानी डालकर इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको लगातार चलाएंगे और इसका कलर थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। आप देख, लगातार 2 मिनट चलाते चलाते इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी से आप देखेंगे इसका कलर और चेंज हो जाएगा। तो हम चीनी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और चीनी मिलाने के बाद इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। चीनी मिलाने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम आप देख सकते हैं। अब इसमें आधा नींबू कट करके इसका जूस ऐड कर देंगे, इससे आप देखेंगे बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लग जाएगा। मार्केट की ज़्यादातर बच्चों के लिए चीज़ों को अवॉइड करिए, घर पर ही नेचुरल तरीके से चीज़ें बनाइए और बच्चों को हेल्दी और स्वस्थ रखिए। तो ये हमारा बनकर रेडी है। गैस को बंद कर दिया और मैंने इसको नीचे रख लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने के बाद एक स्ट्रेनर और एक बड़े बाउल में इसको हम छान लेंगे। स्ट्रेनर से इसको छानना ज़रूरी है, जो मैंगो के रेसे हैं वो सारे स्ट्रेनर में रह जाएंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे से छानेंगे। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिलाते रहिए जिससे कि ये आसानी से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना एक्स्ट्रा पार्ट निकला है मैंगो का। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम चिल्ड वाटर डालेंगे या फिर आप इसमें नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं और इसको हम 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लगभग मैंने यहाँ पर 1 कप के करीबन इसमें पानी यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी फ्रूटी लगभग रेडी है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम बिल्कुल अच्छे से छानने के बाद साइड में रख देंगे। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको फ्रूटी बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मार्केट से कहीं गुना अच्छा घर पर नेचुरल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप एक बार सबको पिला के देखिए। जब भी फ्रूटी बनाएं, चीनी की क्वांटिटी का आप विशेष ध्यान रखें। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है, अब इसको हम ग्लास में निकाल लेते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास एक ये माजा की बोतल पड़ी हुई है घर पर। तो इस ये खाली बोतल है, इसको क्या करेंगे, इसमें भर लेंगे। तो इसी खाली बोतल में मैं इसको भर कर इसको फ्रिज में रख दूंगी। 2 या 3 मैंगो से कितनी सारी घर पर हम फ्रूटी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बोतल, 2 गिलास और फिर भी इसमें बची हुई है, आप देख सकते हैं। जब भी आपके घर में गेस्ट आए तो फटाफट से आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, झटपट से ये बनके तैयार हो जाएगा और जो भी पिएगा वो बिना तारीफ के किए बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा ही है। इन गर्मियों में आप घर पर ही अपने घर पर बनाइए और बच्चे और फैमिली को पिलाइए और ठंडी ठंडी चीज़ों का इंजॉय कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आप कमेंट करना ना भूलें। लीजिए, फ्रूटी बनकर रेडी है, आप इसे इंजॉय करें। अब आपको फ्रूटी के साथ साथ मैं अपनी बेटी का रिएक्शन भी दिखाती हूँ।
तो मैंने उसको जैसे ही फ्रूटी दी उसके फेस पर स्माइल आ गई और पीते ही उसने बोला वाह मम्मी ये तो बहुत ही यम्मी है। तो ऐसे ही ट्राई करते रहिए, खुश रहिए।